अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आपको खुशामदीद करते हैं अपने नए व्लॉग में। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आपको खुशामदीद करते हैं अपने नए व्लॉग में। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। आज जो ईद का दिन है, हम नमाज के लिए रेडी हो चुके हैं। अभी हम नमाज पे जा रहे हैं, तो हमारे साथ रहिए। आज हम आपको जो है ईद का जो है सारा सिस्टम दिखाएंगे कि किस तरह हम नमाज पढ़ते हैं। हमारे साथ ये यूसुफ भाई भी हमारे साथ हैं, हमजा भी हमारे साथ हैं, इनसे भी मिलिए और हमारे साथ रहिए। अभी हम जा रहे हैं नमाज के लिए, लेट हो गए हैं काफ़ी। नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह फटाफट से। क्योंकि रश काफी होता है इस वजह से। जी गाइस, इस वक्त हम नमाज़ पढ़ के वापस आ चुके हैं। अभी आपको मनाज़र दिखा रहे हैं हम, क्योंकि अभी हम नमाज़ पढ़ के वापस आ चुके हैं। अभी हम जाएंगे कब्रिस्तान। ये हमारी गाड़ी है, तो वो मेरे चाचा के बैठ के जाएंगे कब्रिस्तान, क्योंकि अब जो जिंदा होते हैं वो उनसे तो ईद मिलते हैं, लेकिन जो हमसे पिछड़ गए उनसे भी ईद मिलना ज़रूरी है। अगर इस वक्त हम कब्रिस्तान में आ चुके हैं, आप पीछे देख सकते हैं, अपनों से ईद मिलने के लिए, क्योंकि जो ज़िंदा होते हैं उनसे तो लोग ईद मिलते हैं, लेकिन जो बिछड़ जाते हैं उनसे भी ईद मिलना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए आज हम कब्रिस्तान पे आए हैं। हमारे साथ चलिए, आपको अपना कब्रिस्तान भी दिखाते हैं। हाँ दोस्तों, इस वक्त हम कब्रिस्तान से होके अभी हम जो है अपनों से ईद मिलने के लिए जा रहे हैं। जहाँ पे शार्ट आउट बनेगा वो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। हमारे साथ रहिए। ये गाड़ी में वो दूसरी गाड़ी, ये तीसरी गाड़ी। ये पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त मौसम हो गया आज का। मिलते हैं इंशाल्लाह। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हम अपनी पप्पों के घर आ चुके हैं। यूसुफ भी हमारे साथ है, हमारे साथ है। हमजा कैसी जा रही है? यार ईद बहुत अच्छी जा रही है। हाँ यूसुफ, आप बताओ आपकी ऐसे ऐसे ही गुजर रही है? नहीं ऐसे नहीं गुजर रही है। ये माज से भी मिले और ये मेरा कजिन गुलाम मुर्तजा से भी मिले। अभी हम जा रहे हैं ईद मिलने पप्पों के घर, फिर मिलते हैं। ये जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मैं घर गया, कुछ रेस्ट किया, फिर फारूक से मिला, उससे थोड़ी ईद की मालूमात ली। माशाल्लाह तमाम बेहतरीन जबरदस्त वीआईपी 12 जो शाह जज्बो आई दे। माशाल्लाह तमाम बेहतरीन जज्बो आ, काफी साल अग में माना जो झेड़ा वगैरह हुआ उन माहौल तमाम घटे हो, हाँ जबरदस्त माहौल अभी वीआईपी 12 में। माशाल्लाह फारूक से थोड़ी बहुत बात करने के बाद मैं आ गया होटल पे अपने काम पे, फिर मैंने वहाँ पे काम किया और ऐसे ही हमारा ईद का दिन गुजर गया। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर करें और अपने भाई को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ।